बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद भट्ट और आज मैं हाज़िर हूं एक और नई वीडियो के साथ और आप देख रहे हैं नसीम फूड स्पेशल। आज हम आप सबको सिखाएंगे आमलेट का पराठा और ये पराठा बहुत ज़बरदस्त होगा और हमें आज आपको ये वीडियो दिखाएंगे और ये बहुत ज़बरदस्त होगा और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ज़बरदस्त अंडा पराठा है, आमलेट पराठा बहुत ज़बरदस्त होगा। आज की वीडियो में दिखाते हैं आपको। हमने तीन अंडे तोड़ लिए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया बड़ी कटा हुआ और हरी मिर्चें और टमाटर एक चम्मच नमक का दादर मिर्च और काली मिर्च आधा चम्मच। अब इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह और आज हम आपको सिखाएंगे पराठा बनाना आमलेट वाला। और आटा हमने गूंद लिया हुआ है, अब इसे हम एक साइड पे रख देंगे और ये आटा है और हम इसको मैं जीरा डाला, नमक और घी डाला, गूंद लिया हुआ है ऐसे। ये अब इसके पेड़े बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। अभी गर्म नहीं हुआ और हमने इसके ऊपर हुशका डाला है, जब ये सुर्ख कलर का हो जाएगा तो तवा गर्म हो जाएगा, फिर इस पे हम रोटी डालेंगे। ये हम पेड़ा बना रहे हैं और ये देखिए तीन अंडे हैं और तीन ही पराठे बनेंगे, जितने पेड़ हैं उतने ही अंडे होने चाहिए, रोटी होने चाहिए, अंडे होने चाहिए। तीन रोटियां और तीन ही अंडे बनाए हैं। तीन पराठों के लिए तीन अंडे ही बनाने हैं और ये देखें हम ये पराठे जब बनेंगे हम आपको पूरा तरीका सिखाएंगे। और ये देखें आज हम ये आपको पहले पेड़ा बनाना सिखा रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। तवा गर्म हो चुका है हमारा और अब हम आपको ये हुशका नीचे डाल दिया है और अब इसको बेलना है पराठे के लिए, गुलाई के लिए। घी डालने लगे हैं अब, ये देखिए ऐसे घी लगा लेना है आपने भी। इसके ऊपर हुशका डालना, थोड़ा हुशका डालना है इसके ऊपर, हो जाते हैं ये डालने से, और कट लगा देना माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बहुत जबरदस्त। ये तरीका है, आप सबने ये तरीका जरूर ट्राई करना है। ये देखें ये देखें बहुत जबरदस्त। इसको भी ऐसे करना,
इसके ऊपर भी घी और अब थोड़ी देर के लिए रखेंगे। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए रख देंगे और फिर शुरू करेंगे बनाना और आपको दिखाएंगे। बेल लेना है, पतला नहीं बना। और ये हमने तवे पे डाल दिया है पराठे को और ये अभी पक जाएगा तो आपको दिखाएंगे। घी लगाना है, ये देखें पराठा एक साइड से अभी पक चुका है और निचली साइड से भी अभी पक जाएगा तो आपको आज पूरा तरीका सिखाएंगे। अब इसके ऊपर अंडा लगा देना है, एक अंडा लगा दिया है इसके ऊपर। इसको ऊपर अंडा डाल दिया हुआ है, अब इसको पकने देंगे। इसको पलटने देंगे, अब उसको पकने देंगे थोड़ी देर। घी लगा देना है साइडों पे और पकने देना है इसको। इसको ऊपर से ऐसे प्रेस करना है, ये देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। और अभी आपको दिखाएंगे कि ये कैसा तैयार हुआ, माशाल्लाह बहुत प्यारा तैयार होगा, आप सब ने ये सीखना है। ये देखें मेरी अम्मी जान के हाथ का ये पराठा है, ये बहुत अच्छा तरीका है, आप सब ने ये सीखना है, बहुत जायकेदार पराठा होगा ये। आप इसे पलटने लगे हैं, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है इसकी, ये देखें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह हम आपको अभी दो पराठे और खाना सिखाएंगे। पराठा तैयार करने लगे हैं, हमने दूसरे पराठे को भी अब तवे पे डाल दिया है, अब हम इसे भी पकाएंगे उसी तरीके से। आपको सबको ये सीखना है और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा मज़ेदार पराठे हैं, ये तीनों पराठे ऐसे ही बनेंगे। और ये देखें अब आपको दिखाते हैं, ये देखें अंडा भी इसके ऊपर डाल देते हैं, और इसकी बैक साइड ऊपर की है और उसके ऊपर घी लगा के फिर इसके ऊपर डाल गया है और ऊपर वाली साइड के ऊपर घी, वो नीचे से पक जाएगा
और ये भी पराठा हमारा माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत प्यारा तैयार होगा, आप देखते हैं, ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया कीजिए। आप सबका प्यार होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और शौक़ पैदा होता है नई वीडियो बनाने का। बहुत ज़्यादा तरीके हैं, हम आप सबको और ज़्यादा रेसिपी भी दिखाएंगे, आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब इस पराठे को पलट देना है, देखें अब ये नीचे से पक जाएगा और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये दूसरा पराठा हमारा, ये अभी आपको दिखाते हैं, ये ऊपर से आपने प्रेस करना है। इस पराठे की भी वैसी ही खुशबू आ रही है जैसे पहले पराठे की आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू है माशाल्लाह। अब इसे उल्टाएंगे, ये देखें और ये पराठा भी तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारी लुक है इसकी, ये भी देखें माशाल्लाह। हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है, ये देखें बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी और यमी है, आप ये देखें माशाल्लाह। अभी हम आपको तीसरा पराठा भी बनाना सिखाएंगे। तीन ही पराठे और इसी को, इस पराठे के ऊपर भी इसी तरह आपने अंडा लगाना है जिस तरह पहले पराठे के ऊपर घी लगा के हमने। एक पराठे के लिए एक अंडा जी, एक पराठे के लिए एक अंडा लगाना है। और ये देखें माशाल्लाह, ये पराठे के ऊपर हमने अंडा लगा दिया है जी। आप चाय के साथ, ये देखें माशाल्लाह। अब इस पराठे को भी हम पलट देंगे और आप ये देखिएगा बहुत ज़्यादा ये भी मजेदार बनेगा ये भी इंशाल्लाह। अब इस पराठे को भी पलट देंगे, ये देखें, ये देखिए, ये हमारा तीसरा पराठा भी तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और यमी पराठा है ये, देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। पका लिया है और ये देखें अब आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पराठे आमलेट वाले और इसके साथ चटनी, बहुत ज़बरदस्त। मेरी अम्मी जान के हाथों के ये पराठे हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, आप सबने ये ट्राई करने हैं ज़रूर। ये चटनी हरे धनिए की बनाई है, पुदीना और लहसुन बीच में डाल के ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाई है। ये भी आपको नींबू भी डाला है और ये बहुत लहसुन भी डाला है और ये देखें माशाल्लाह पराठा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और यमी है। ये देखें सॉफ्ट और क्रिस्पी और यमी पराठे, ये आपने ज़रूर घर में ट्राई करने हैं और कमेंट में बताना है कि आपको कैसे लगे। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अहमद भट्ट को अल्लाह हाफिज़।